वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नाइट्रेट्स। ओके सो इसके पहले वाले जो वीडियोस थे तो उसके बारे में मैंने बताया था कि एंजाइना क्या होता है, एंजाइना के टाइप्स कैसे होते हैं। ओके आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि एंजाइना में जो सबसे ज़्यादा ड्रग यूज़ की जाती है दैट इज़ नाइट्रेट। ओके जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है, तो ये नाइट्रेट जो है वो कैसे वर्क करता है। ओके इसमें प्रीलोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, ओके एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ओके तो इतनी सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। ओके एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ओके गाइज तो जिस भी पर्सन ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके गाइज सो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। सो चलिए देखते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं। फर्स्ट है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, राइट। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है एक इस तरह से आप समझिए इसको, बिकॉज यहाँ पे आप यदि वर्ड्स को बाइफर्गेट करोगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कुछ लिक्विड होगा जो कि भरा हुआ होगा। ओके एंड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड का मतलब होता है कि आखिरी में, डायस्टोलिक मतलब सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम की बातें हो रही हैं, राइट। तो डायस्टोल का मीनिंग क्या होता है, जो रिलैक्सेशन के टाइम हो रहा होगा, राइट। और हम यहाँ पूरी बात कर रहे हैं किसके लिए, वेंट्रिकल के लिए। ओके तो वेंट्रिकल में जब एट्रिया से ब्लड आता है, राइट, उस समय वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ डायस्टोलिक, राइट। एंड यहाँ पे सिस्टोल के पहले, ओके बिकॉज डायस्टोल हुआ है, डायस्टोल के पहले क्या होने, बाद में क्या होने वाला है, सिस्टोल होने वाला है, राइट। तो सिस्टोल होने के पहले पहले यहाँ पे जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है दैट इज कॉल्ड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके गाइस तो ये एक टर्मिनोलॉजी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रीलोड, राइट। अब प्रीलोड की यदि हम बात करें तो बिल्कुल जो भी हमारे पास में डेफिनेशंस होती है तो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक और पढ़ने में मतलब समझ नहीं आता। ओके तो यहाँ देखते हैं, ईजी वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो प्रीलोड का मतलब क्या है, सबसे पहले होता है लोड, राइट। लोड का मतलब होता है कि कुछ आपने बिल्कुल भारी भरकम रख दिया, लोड रख दिया हो, ओके पर ये लोड कहाँ पे रखा हुआ है। ओके अब हम बातें कर रहे हैं किसकी, हार्ट की बातें कर रहे हैं, बिकॉज हमारा टॉपिक चल रहा है एंजाइना तो ओबियसली हार्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। और अभी मैंने आपसे कहा कि हम बात कर रहे थे वेंट्रिकल के बारे में, राइट। तो अब वेंट्रिकल के अंदर, ओके जो ब्लड आया है ना एट्रिया से, जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आया, राइट, तो वेंट्रिकल के अंदर आने पे ये वेंट्रिकल की वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई करता है, कितना उसको स्ट्रेच करता है। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ दो तरह बैलून दिखाई दे रहे हैं, यदि एक छोटा बैलून है और उस छोटे बैलून में मैं एयर भरता हूँ, राइट, तो उस छोटे बैलून में एयर भरने के बाद क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा तभी उसका साइज बढ़ेगा। ओके तो यहाँ पे जैसे बैलून का साइज बढ़ रहा है, सेम थिंग इज देयर, ब्लड सर्कुलेशन होगा, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, उस समय डेफिनेटली जो ब्लड का वॉल्यूम है वो स्ट्रेच प्रोवाइड करा रहा होगा किसकी, मायोकार्डियल मसल्स के ऊपर। ओके तो वो जितना स्ट्रेच वो प्रोवाइड कराता है, ओके दैट इज कॉल्ड द प्रीलोड। ओके सो बिफोर सिस्टोल यहाँ पे वेंट्रिकल के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है बाय द ब्लड वो कहलाता है आपका प्रीलोड। ओके तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है आफ्टर लोड है। अब आफ्टर लोड की यदि हम बात करें, ओके तो यहाँ एक टर्म आया आफ्टर लोड। ओके सो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो प्रीलोड था दैट इज बिफोर स्टार्टिंग द सिस्टोल। अब यहाँ पे सिस्टोल हो चुका है, राइट, तो जिस समय सिस्टोल हो रहा है उस समय ब्लड को, या हम कहें कि जो वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल को एक प्रेशर से जो ब्लड होता है इसको वेंस या अवोटा के अंदर यहाँ पे इंटर कराना होता है, राइट, बिकॉज वहाँ पे क्या होते हैं, वॉल लगे होते हैं। अब यहाँ का जो प्रेशर है वो डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए जितना कि वहाँ पे वॉल का प्रेशर है, वॉल को ओपन करने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत है, जितने प्रेशर की ज़रूरत है, डेफिनेटली वो ज़्यादा होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल की वॉल जितना प्रेशर अप्लाई करती है, राइट, उस वॉल को खोलने के लिए, उसको उस डायरेक्शन में ब्लड को धकेलने के लिए, तो गाइस वही प्रेशर जो होता है वो कहलाता है आपका आफ्टर लोड। ओके तो डेफिनेटली दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। और हमारा एंजाइना क्या कहता है, एंजाइना होता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो नाइट्रेट्स होगा, तो आप पहले से एक माइंड मेकअप करके चलिए कि जो नाइट्रेट होगा
ये क्या कर रहा होगा, इस ऑक्सीजन के डेप्रिवेशन को, मतलब ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन हो रहा है ना, इसको ये कम करेगा। और यदि ऑक्सीजन का कंजम्पशन पहले से यदि कम हो गया, मतलब ड्रग लेने के बाद, तो डेफिनेटली हार्ट जो है उसको उतने ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से वर्क कर पाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नाइट्रो डायलिटर्स की तरफ, ओके, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम आगे देखने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलिए चलते हैं नाइट्रो डायलिटर्स की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब कुछ फंक्शंस की और कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द नाइट्रेट्स। ओके, यदि हम बात करें फंक्शन की, तो नाइट्रेट जो है दो तरह से फंक्शन करता है, ये प्री लोड को भी कम करता है और आफ्टर लोड को भी कम करता है। ओके गाइज, प्री लोड जैसे मैंने आपसे कहा कि जितना स्ट्रेच हो रहा है इसको यदि कम करेगा, ओके, तो एक लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग उतना कम पुश करना पड़ेगा उसको ब्लड को बाहर भेजने के लिए। ओके, जो जितना स्ट्रेच होता है, अब ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो ज़्यादा पुश भी लगाना पड़ेगा उसको। ओके, तो यहाँ पे इसी प्रीलोड को ये कम करने की कोशिश करता है। वो कैसे करता है हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नाइट्रेट्स होते हैं ये वेन को ज़्यादा डायलेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। ओके, और जो वेन होती है ये पूरी बॉडी से ब्लड को कहाँ लेके जाती है, एट्रिया के अंदर, राइट, एट्रिया के अंदर। ओके, तो आप देखिए कि यदि वेन जो है यदि उसमें डायलेशन हो गया, राइट, वेन के अंदर यदि डायलेशन होता है तो डेफिनेटली जो ब्लड जाने वाला होता है ऊपर की तरफ, ओके, मान लीजिए पैरों से ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि यदि आपने उसको डायलेट कर दिया तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। ओके, इसको हम कहते हैं वीनस पुलिंग, मतलब जो वीनस रिटर्न हो रहा था टू द हार्ट वो कम हो जाएगा, बंद नहीं होगा, कम होगा। ओके, तो यहाँ पे वो कम हो गया। अब जब वीनस रिटर्न कम हुआ तो एट्रिया में ब्लड जो है उतना नहीं पहुँचा, उतना ब्लड यदि एट्रिया में नहीं पहुँचा तो डेफिनेटली वेंट्रिकल में भी नहीं होगा, और यदि वेंट्रिकल में नहीं होगा तो प्रीलोड तो कम हो गया ना। ओके, तो यदि यहाँ पे प्रीलोड कम हुआ तो हार्ट की जो मायोकार्डियम है, जो मसल्स, उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ओके, और इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, जो कार्डियक वर्क होगा वो कम हो जाएगा, और कार्डियक वर्क कम होगा, कार्डियक वर्क रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी कम होगा। ओके, और ऑक्सीजन का यदि कंजम्पशन कम होगा तो हमारा एंजाइना क्या था कि डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये हो रहा था, राइट, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कंजम्पशन आपने कम कर दिया, तो अब हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके गाइज, अब देखते हैं इसका सेकेंड फंक्शन के बारे में, जिसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो ये कुछ हद तक आर्टरीज जो होती है उसको भी डायलेट करता है। ओके, आर्टरीज को डायलेट करने के लिए या आर्टरीज को डायलेट करने के बाद होता क्या है, आर्टरीज को डायलेट करता है तो ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ओके, इसको ये कम कर देता है। मतलब जो ब्लड आर्टरी के थ्रू जा रहा था उसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बहुत इजीली वो जा रहा है। ओके, पहले टीपीआर था, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंट था पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की तरफ। ओके, अब वो जो पेरिफेरल रेजिस्टेंट है वो कम हो गया। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रेट ने दो तरह से फंक्शन किया, प्रीलोड को कम करना एंड आफ्टर लोड को कम करना, जिसके ऊपर या जिसकी वजह से कार्डियक वर्क जो है कम हो जाता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है। ओके, चलिए अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए हम बात करें तो हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की, राइट, स्मूथ मसल्स के ऊपर किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन का अवॉइड करता है और रिलैक्सेशन कॉज करता है, तो ये मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको जानने वाले हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के अंदर होता कैसा है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है ताकि रिलैक्सेशन हो। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है। सो गाइज, आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, तो यहाँ भी जो कैल्शियम होता है वो हेल्प करेगा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। ओके, तो जो कैल्शियम होता है, राइट, ये चैनल के थ्रू जो है मसल्स में इंटर करता है। ओके, अब पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा कि सबसे पहले जो न्यूरॉन्स होंगे वो किसी स्टिमुलस को लेके आ रहे होंगे। ओके, ये स्टिमुलस पहुंचता है कहाँ पे, सार्कोलेमा के पास में, जो कि मसल्स की लेयर है, राइट। कैसे पहुंचेगा, इम्पल्स जो पहुंचता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू पहुंचता है। जब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम को भी रिलीज कराते हैं, और जो कैल्शियम होता है वो हेल्प करता है फर्दर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइट, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मोर ऑफ द कैल्शियम को रिलीज कराता है। ओके, जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम यहाँ से रिलीज होता है तो ये क्या करेगा, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कॉलमोड्यूलिन। ओके,
तो ये कॉलमोडुलिन के साथ साथ जाके जो है बाइंड हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है कैल्शियम कॉलमोडुलिन। ये जो कैल्शियम कॉलमोडुलिन होता है वो हेल्प करता है जो MLCK है, दैट इज मायोसिन लाइट चैन काइनेज, राइट। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो होता है वो उसकी हेल्प करता है कि उसको फास्फोराइलेशन कराए, ओके। तो इसकी प्रेजेंस में ये फास्फोराइलेट होता है, राइट। और फास्फोराइलेशन होने की वजह से ये एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव जो MLCK होता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है, बिकॉज इट इज एन एंजाइम, बिकॉज इसमें क्या लगा हुआ है लास्ट में, ASE लगा हुआ है, काइनेज, तो ये एंजाइम है। तो ये एक्टिव एंजाइम है। ये एक्टिव एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे जो मायोसिन होता है मायोसिन को भी एक्टिव कर देता है, मतलब उसको भी फास्फोराइलेट कर देता है। और मायोसिन जो है जब फास्फोराइलेट होता है तो ये एक्टिन के साथ में जो है वो अपने ब्रिज बनाता है, ओके। और एक्टिन के साथ जब ब्रिज बनता है तब जाके यहाँ पे होता है आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, ओके गाइस। अब हम बात करेंगे कि जो नाइट्रोडाइलेटर्स होते हैं वो इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कैसे इनहिबिट करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं नाइट्रो डायलेटर्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, ओके गाइस। सो यहाँ पे यदि आप देखें तो नाइट्रो डायलेटर्स जो होते हैं, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट का, या नाइट्रोग्लिसरीन जिसको हम कहते हैं, ओके। तो जैसे ही ये स्मूथ मसल्स के अंदर जाता है ये बहुत जल्दी डीनाइट्रेटेड हो जाता है, ओके। और ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अब क्या करेगा, जो ग्वानिल साइक्लेज होता है तो ग्वानिल साइक्लेज से बनाता है साइक्लिक GMP, राइट। और साइक्लिक GMP अब दो तरह के फंक्शन करता है। पहला फंक्शन ये करता है कैल्शियम चैनल जो है इसको इनहिबिट करता है, दूसरा फंक्शन ये करता है जो MLCK का फॉस्फोराइलेशन होता है उसको फॉस्फोराइलेट नहीं होने देता, ओके। अब यदि MLCK फॉस्फोराइलेट नहीं होगा, राइट, और यहाँ से कैल्शियम की एंट्री भी नहीं हो रही है तो कैल्शियम कॉलमोडुलिन नहीं बनेगा, मतलब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, अब इनहिबिट हो जाएगा। आगे का प्रोसेस इनहिबिट होने की वजह से जहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए था अब वहाँ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ना होके क्या हो रहा है, मसल्स रिलैक्सेशन हो रहा है, ओके। यहाँ जो स्मूथ मसल्स है अब इस तरह से वो रिलैक्स करती है, मतलब वहाँ पे जो भी हार्ट की मसल्स है वहाँ कॉन्ट्रेक्शन ना होके वहाँ पे क्या हो रहा है, अब डायलेशन हो रहा है, ओके। तो जहाँ भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है स्मूथ मसल्स में रिलीज होता है वहाँ पे ये क्या करता है, उसको डायलेट करता है। अधिकतर जो ब्लड वेसल्स होती है इस ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है नाइट्रेट, ओके गाइस। तो एक इस पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात मैं और करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो नाइट्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, वैसो डायलेटर्स होते हैं, राइट। और यदि आपने कोई वैसो डायलेटर ऑलरेडी ले रखा है या आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है जो कि एक वैसो डायलेटर है, राइट, और यदि आप नाइट्रेट को भी ले लेते हो तो दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं, ओके। दोनों ही सिनर्जिज्म कॉज करेंगे और दोनों की वजह से सीवियर हाइपोटेंशन कॉज हो सकता है। सो गाइज बी अवेयर फॉर दैट, ओके। जब भी आप इस तरह का कुछ मेडिकेशन ले कंसल्ट योर डॉक्टर्स, ओके गाइज। सो गाइज होपफुली आपको समझ में आया हो, और यदि नहीं आया हो तो यू कैन कमेंट, ओके, आई विल रिप्लाई। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।